सारे बाण भाइयों ने चाचे तवा ने यार भाई ने ना जुड़ कर राम राम लिखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा और मैं सु थर अपना विक्की बैरागी ना किसी के दुश्मन ना किसी का साथी मेरे पीछे थम भीड़ जो देखने लग रहे हो हरियाणा के राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा वो हैं और उनसे खास बातचीत करेंगे आज हरियाणा पहले तो स्वागत है बहादुरगढ़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहला सवाल मेरा ये रहेगा सर आपसे कि आपने राजनीतिक पारी में कदम रखा आप मीडिया दिग्गज हैं आप बिजनेसमैन भी हैं अच्छे तो राजनीति किस मतलब क्या क्या सोच के राजनीति में आने की सोच देखिए मैं राजनीतिक पारी में शुरुआत अभी हुई है ये बात तो सही है लेकिन सार्वजनिक जीवन में और सामाजिक जीवन में मैं शुरू से था और मीडिया के माध्यम से मैं लोगों से जुड़ा रहा काम करता रहा और मेरा परिवार सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन में भी रहा है तो ये कोई मेरे लिए नई चीज़ नहीं थी पर मैं अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता था और मुझे लगा कि ये सही समय है कि मैं आप अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं बिल्कुल क्योंकि आपके पिताजी भी और आपके ससुर भी राजनीति में अच्छे पकड़ हैं उनकी और खासकर कांग्रेस पार्टी में उसके बावजूद निर्दलीय आपने राज्यसभा का चुनाव लड़ा कांग्रेस में भी हाथ आजमा सके थे जी मैं अपनी सोच लेकर आया हूँ और जिस सोच से मैं राजनीति भी नहीं कहूँगा मैं समाज सेवा कहूँगा से मैं आया हूँ उस सोच को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता था और इसीलिए मैंने यही सोचा कि मैं इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर मैंने अपना नामांकन लिया और देखिए सोच की बात ये मैं कहूँ कि विनोद शर्मा जी का मेरे पिताजी का और मेरे परिवार का लोगों का जो स्नेह है हमारे प्रति ये उसी का रिजल्ट है कि आप देख सकते हो कि सारी पार्टियों ने और मैं वह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ सारी पार्टियों ने वोट दी तो मैं जीता हूँ एक हैवीवेट फाइट के बाद आप जीते हो तो 3 महीने का अनुभव कैसा देखिए मैं 2 अगस्त को मेरा कार्यकाल शुरू हुआ था तो मेरा अभी 2 महीने पूरे हुए कार्यकाल लेकिन बहुत अच्छा अनुभव है लोगों के बीच में जाने का मौका मिल रहा है लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है सदन में मुझे बोलने का मौका नहीं मिला क्योंकि सिर्फ 5 ही दिन का कार्यकाल बचा था सदन का अब शीतकालीन सत्र में मुझे बोलने का मौका मिलेगा लेकिन उससे पहले मुझे राज्यसभा का की तरफ से नियुक्त किया गया है जहाँ पर तकरीबन 100 देशों से ज़्यादा 1000 MP आएंगे और राज्यसभा का नेतृत्व करने का मौका मुझे मिला है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ लोगों का भी और राज्यसभा चेयरमैन का भी और सबका जिन्होंने मुझे मौका दिया है मैं भारत की बात रखूँ विश्व के बारे में आपने लाल चौक पे भी श्रीनगर में झंडा फहराया वो अनुभव कैसा रहा अद्भुत था बहुत ही एक अलग तरीके का प्राउड फीलिंग महसूस हुई जब हमने 75 झंडे देखे 75वीं वर्षगांठ पे लाल चौक पे मुझे एक हमारे अच्छे दोस्त मित्र हैं वहीं श्रीनगर के उन्होंने कहा आप तो ऐसे घूम रहे हो लाल चौक में जैसे कंपनी बाग में घूम रहे हो तो मैंने कहा ये मुमकिन है क्योंकि मोदी है अच्छा एक आपके विरोधी जो है आपकी जीत को उन्होंने चैलेंज कर रखा है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप देखिए उनका अधिकार है जो भी रिजल्ट आया है वो इलेक्शन कमीशन के पूरी प्रक्रिया के बाद आया है उसके बाद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है रिजल्ट घोषित हो चुका है वैसे तो बहादुरगढ़ में ना बहुत सारी समस्याएं हैं लेकिन आप उनके समस्या में फोकस करना चाहूँगा यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया जो है काफ़ी पुराना है और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं बहादुरगढ़ में सबसे ज़्यादा टैक्स भी यहाँ से जा रहा है सरकार को तो 1 तारीख से 1 अक्टूबर से यहाँ दिल्ली NCR में जनरेटर जो है वो बंद कर दिए लेकिन यहाँ बिजली की पूर्ति नहीं है इंडस्ट्रीज में तो उनकी मजबूरी है अगर जनरेटर नहीं चलाएंगे तो प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगी तो उसको लेके वो बहुत मंत्रियों से भी मिले हैं कई जगह मिले हैं उनका समाधान नहीं हो पा रहा है तो इसको लेके आप क्या जेन्युइन प्रॉब्लम है और जेन्युइन दिक्कत है अरे राजेश क्योंकि बहादुरगढ़ NCR के अंदर आता है तो कई ऐसे कानून है जो दिल्ली की वजह से पूरे NCR रीजन के ऊपर लागू होते हैं क्योंकि हमारे को पता है कि पिछले कुछ सालों में पोल्यूशन को लेकर और दूसरी चीज़ों को लेकर काफ़ी समस्या दिक्कत रही है लोगों को तो इसका कोई ना कोई समाधान निकलना चाहिए आपने ये बात मेरे संज्ञान में लाएँ मैं भी इस बात को उठाऊँगा और अपने माननीय बिजली मंत्री रंजीत चौटाला जी जिनका हमेशा मेरे लिए आशीर्वाद रहता है हमारे बड़े हैं उनके संज्ञान में ये बात लेके आऊँगा और बड़ी बात युवाओं ना आप हमेशा प्रेरित करते रहो जहाँ भी जाओ भाषण में युवाओं ने अलग से संबोधित करो हो और आज हरियाणा में 36 में 37 बिरादरी भी मौजूद है बेरोजगारों की क्योंकि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है तो उसमें लेके आप क्या युवाओं की बात है मैं हमेशा युवाओं की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि युवा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसको गाइडेंस की भी ज़रूरत है और मैंने जैसे कहा कि हरियाणा के बच्चों को इतनी प्रतिभा की कमी नहीं है लेकिन हमारे लिए और अवसर बनाने की जरूरत है क्योंकि देखिए हर आदमी को तो सरकारी नौकरी नहीं मिली ये बात सत्य है लेकिन हर आदमी को नौकरी करनी हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है नौकरियाँ
भी बहुत निकल सकती हैं, उनके कई आयाम बन सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट के द्वारा, वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा, डिजिटल स्टार्टअप वर्ल्ड के द्वारा। जैसे आप भी तो एक व्यवसाय शुरू करके बैठे हैं और आप भी एक तरीके से युवाओं के लिए प्रतीक बन रहे हैं, एग्जाम्पल बन रहे हैं, उदाहरण बन रहे हैं। तो कैसे एक व्यक्ति अपनी सोच बोझ और मानसिकता अपने परिस्थितियों को बदल सकता है अपने फायदे के लिए, और जो भी यहाँ पर भी कमियाँ हैं, चाहे सरकार द्वारा हो, चाहे वो और भी किन्हीं कारणों द्वारा हो, उनको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि युवा साथियों को हमारी ज़रूरत है और हमारे को उनको दिशा दिशा मिलना। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कार्तिकेय शर्मा, नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद हैं हरियाणा के, और एक कड़ी टक्कर के बाद आज कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय माकन ने हरा के राज्यसभा में पहुंचे हैं और अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत 41 साल की उम्र में करी है। और पहले ही मैच में, राजनीतिक मैच में, एक दिग्गज नेता ने हरा के राज्यसभा की सीट जो है अपने आज बहादुरगढ़ में पहुंचे थे। बहादुरगढ़ के लोगों ने मान समारोह रखा था, कई समस्याएं बहादुरगढ़ के इनके सामने आई थी, तो ये थी इनसे खास बातचीत। इस वीडियो ने लेके आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो, अगर पसंद आई हो तो वीडियो ने लाइक और शेयर करिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज फॉलो करिए। कैमरे के पीछे राहुल, राम राम।